में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते होते हैं, हो गए कि नहीं हो गए, इन्होंने कर दिया कि न कर दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी साहजादे का दिल ही टूट गया, बस आंसू नहीं निकले लेकिन दिल के सारे अरमां बह गए। अब आप बताइए इस आप सब लोग इतने तेज तरार है कि सारी बात इशारों इशारों में समझ लेते हो।